खेतनी क्षेत्र के लाडले फतेह सिंह बना के विश्व मानव अधिकार सुरक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर अपने पैतृक गांव बड़ाऊ में पहुंचने पर उनका नागरिक अभिनंदन किया गया। गांव के मुख्य बाजार में गुरुवार को फतेह सिंह का माला व साफा पहनाकर सम्मान किया गया। युवाओं तथा प्रबुद्ध जनों ने 51 किलो की अलग अलग माला पहनाई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रूप सिंह तथा विशिष्ट अतिथि नसरुद्दीन, जयप्रकाश शर्मा, नबील खान, गोवर्धन तथा अध्यक्षता पाबुद्दान सिंह नंगली ने की। कार्यक्रम में आगंतुकों को संबोधित करते हुए फतेह सिंह शेखावत ने कहा कि आमजन के अधिकारियों की रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है। मैं पहले भी क्रीड़ा क्षेत्र में प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाल चुका हूं और अब भी है। जिम्मेवारी मिली है तो इसे बखूबी निभाऊंगा। हर जरूरतमंद के जीवन में आने वाली पीड़ा से खासा परिचित हूं क्योंकि मेरा परिवेश भी ग्रामीण है। मैंने कई वर्षों पहले ही अपने नाम के आगे शेखावत लगाना छोड़ दिया था क्योंकि मेरी पहचान मेरे गाँव बड़ाव से है और मैं अपने नाम के आगे बना शब्द लगाना नहीं भूलता। उसी प्रकार राजस्थान की जनता के हितों की रक्षा करना मेरे जीवन का लक्ष्य रहेगा। इस मौके पर पुष्पेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह, महफूज खान, लतीफ खान, बंशीधर वर्मा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मंच संचालन मुकेश कुमार ने किया। मैं जिम्मेदारियां निभाता आ रहा हूं और क्षेत्र के विकास के लिए और राजस्थान पूरे प्रदेश के लिए, मेरे पास पहले खेलों का भी प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं मैं और अब मेरे को मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार सुरक्षा संघ की जिम्मेदारी दी गई है तो मैं इसको पूर्णतया निभाने का प्रयास करूँगा और प्रदेश में ही नहीं जहाँ भी मानवाधिकारों का हनन होगा और किसी भी तरह की समस्या होगी, चाहे बाल श्रम की हो, चाहे महिलाओं के साथ में हो, चाहे युवाओं के साथ में हो, कहीं भी मानव का अधिकारों का हनन होगा वहाँ पर मैं पूर्णतया तैयार मिलूंगा, चाहे वो आधी रात का समय हो। सर, सबसे बड़ी समस्या तो मानव अधिकारों के जो नियम है उनका ही गाँव में चाहे देहात में मालूम नहीं, इसके लिए चेतना के लिए क्या प्रयास किए? हम ऐसे प्रयास करेंगे कि आजकल सोशल मीडिया पर और अन्य तरह के व्हाट्सअप और प्रचार के माध्यम चल रहे हैं तो हम प्रयास करेंगे कि मानव अधिकारों से संबंधित बुकलेट छपाई जाएगी और इसके लिए सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार किया जाएगा और समाचार पत्रों के बारे के माध्यम से भी लोगों को उनके जो अधिकार हैं उनके बारे में बताया जाएगा।